आईपीएल 2023 से पहले केकेआर को झटका। दिग्गज गेंदबाज नहीं लेंगे अगले सीजन में हिस्सा। आईपीएल ना खेलने के पीछे बताई बड़ी वजह। आईपीएल 2023 को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि इस बार का आईपीएल ऑक्शन दिसंबर के महीने में होने वाला है। आईपीएल 2023 को लेकर खिलाड़ियों की अदला बदली यानी कि ट्रेडिंग शुरू हो गई है और 15 नवंबर शाम 5 बजे तक सभी फ्रेंचाइज को अपने रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जमा करवानी है। इसी बीच अब केकेआर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केकेआर के दिग्गज तेज गेंदबाज पैट कमिंस अगले सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे। पैट कमिंस ने अगले साल आईपीएल खेलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर इसके पीछे बड़ी वजह बताई है। आईपीएल में केकेआर ने पैट कमिंस को साल 2021 में भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में जगह दी थी। 2022 के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने पैट कमिंस को आधे दाम में फिर से रिटेन कर लिया, लेकिन अब पैट कमिंस ने अगला सीजन खेलने से इनकार किया है। चलिए जानते हैं कि ट्विटर पर उन्होंने इसके पीछे क्या वजह बताई है। पैट कमिंस ने ट्विटर पर बात करते हुए कहा कि मैंने अगले साल आईपीएल मिस करने का मुश्किल फैसला किया है। अगले 12 महीने के लिए टेस्ट और वनडे मैच बचे हैं, तो एशेज सीरीज और वर्ल्ड कप से पहले कुछ आराम मिल जाएगा। आपको बता दें एशेज सीरीज जून में होनी है, तो वहीं साल 2023 का 50 ओवर का विश्व कप भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने तक खेला जाएगा। पैट कमिंस ने अपने आराम को लेकर और एशेज और विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये फैसला लिया है कि वो आईपीएल को मिस करेंगे। आगे वो केकेआर का धन्यवाद करने पर कहते हैं कि केकेआर का धन्यवाद है जो उन्होंने मेरे फैसले को समझा। इस टीम में बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है जल्द से जल्द मैं वहाँ वापसी करूँगा। आपको बता दें जहाँ केकेआर के लिए अगले साल पैट कमिंस केकेआर की जर्सी पहने नहीं दिखाई देंगे, वहीं खुशखबरी ये भी है कि शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल से ट्रेड करते हुए केकेआर में जगह मिली है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के भी दो खिलाड़ी जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और लॉकी फर्गूसन की एक बार फिर से केकेआर में वापसी होने जा रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि केकेआर के लिए पैट कमिंस का अगले सीजन में ना खेलना कितना नुकसानदायक हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।